सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के पांचवें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा, नए नए मंत्रों का स्वाध्याय। अहर्निश इस वेदवाणी को सुनने का सौभाग्य, समझने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजाचार्य श्री जी महाराज का जो पावन उद्देश्य है कि घर घर में वेदों का गान हो, वेद की ऋचाओं का गान हो, जिससे हमारे समाज, हमारे राष्ट्र में उन्नत जीवन वाले महापुरुषों का, दिव्यात्माओं का आधान हो, इस भारत भूमि का, इस धरा का कल्याण हो, यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि वह परमपिता परमेश्वर जो मनुष्य का जीवन दे करके संसार की सबसे बड़ी सौगात दी है, उसने सबसे बड़ा उपहार दिया है, हम वेदानुकूल आचरण करें। क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मन, वाणी और शरीर में उसका आचरण हो, हम उसको आत्मसात कर सकें, ऐसा प्रयास हमारा हो जितना हो सकता है, और इससे ही हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण होने वाला है। वे प्रभु इस संसार को, इस शरीर को, इस जीवन को, इस जगत को बनाया है, उन्होंने दिया है, उनकी ही शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है, उनके शक्ति से ही हम सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं। प्रभु बल देने वाले हैं तो हम उनके प्रति बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही संयमित, मर्यादित जीवन जीने वाले हों। ऋग्वेद के इस पांचवें मंडल के 31वें सूक्त के तीसरे मंत्र को हम आपके समक्ष रखेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। शक्ति व शान के दाता प्रभु हैं। वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ। ओम उद्यत्सह उद्यत्सह सहस सहस आज निष्ठा दे दिष्ट
दे दिष्ट इंद्र इंद्रियाणि विश्वा प्रचोदयत सुदुहा प्रचोदयत प्राचोदयत सुदुघा वव्रे अंतर्वी ज्योतिषा अंतर्वी ज्योतिषा समववृत्त वत्तमो अवह संववृत्त्वत्वमो अवः ऋग्वेद के पांचवें मंडल के 31वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम
अद्यत्सह सहसा जानदिष्टा देदिष्टा इंद्र इंद्राणि विश्वा प्राचोदयत् सुदुघा वव्रे अंतर्वि ज्योतिषा संभवृत्वत्तमो वाह। ओम उद्यत्सह सहसा आजनिष्टा देदिष्टा इंद्र इंद्राणि विश्वा प्राचोदयत् सुदुघा वव्रे अंतर्वि ज्योतिषा संभवृत्वत्तमो वाह। बहुत सुंदर भाव है। इसके पहले का जो मंत्र, जिसमें दो मंत्र में जितेंद्रियता ज्ञानेश्वरी उपासना की चर्चा आई थी, जितेंद्रियता ज्ञान ऐश्वर्य जीवन यात्रा को सफलता से पूर्ण करने के प्रमुख साधन हैं, और जितेंद्रियता व ज्ञानेश्वर के लिए उपासना परम आवश्यक है। उपासना मूल साधन है जितेंद्रियता का, ज्ञान ऐश्वर्य का, और इस जीवन यात्रा को पूर्ण करने का। जिसके जीवन में उपासना नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, वह कभी जितेंद्रिय नहीं हो सकता है, वह कभी ज्ञान ऐश्वर्य से युक्त नहीं हो सकता है। इस जीवन की अपार यात्रा में, अपार संसार समुद्र में व्यक्ति खो जाता है, व्यक्ति का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितेंद्रियता परम आवश्यक है, ज्ञान परम आवश्यक है, तभी यह जीवन यात्रा सफल होगी। और ज्ञान ग्रहण व ज्ञान प्रदान का जो साधन है, वह हमारे में सदा प्रभु प्राप्ति की कामना से ही संभव हो सकता है। हम ज्ञान साधन से अपने को अलंकृत करें, औरों के लिए भी वेद ज्ञान के देने वाले बने, स्वयं भी प्रकाशित हों, दूसरों को प्रकाश देने वाले हों, स्वयं भी अंधकार से, अविद्या से, अन्याय से, अधर्म से, अज्ञान से, अविवेक से, अभाव से दूर हों, तथा दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा करें कि वे इन सभी दुर्गुण दुर्विषणों से, दुर्व्यवहारों से बच जाएं, और जो सच्चा मार्ग है, जो अच्छा मार्ग है, जो सुपथ है, जो वेदों का पथ है, जो कल्याण का पथ है, जो धर्म का पथ है, जो मानवता का पथ है, जो सत्य का पथ है, जो आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण का पथ है, इस पथ के अनुगामी बन जाएं। इस दृष्टि से प्रभु इसका सामर्थ्य देने वाले हैं, वो ऐसे बल को देने वाले हैं। यही प्रार्थना अब तीसरे मंत्र में जो आपके समक्ष है, इसमें कहा है कि हम जितेंद्रियता से जीवन बिताएं, और जीवन बिताने पर सहसा उस शक्ति पुत्र प्रभु से उद्यत्सह उदय होता हुआ शत्रु नाश का जो बल है, अर्थात जो शत्रुओं का दमन करने वाला बल है, शत्रुनाशक है, आज निष्ठ हमारे में प्रादुर्भाव होता है, हमारे में उसका प्रादुर्भाव होता है। हम निश्चित रूप से ऐसे समर्थ से युक्त होते हैं, ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है, हम समर्थ हो जाते हैं, हम शत्रुओं का विनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शत्रु एक अंदर एक बाहर, दो शत्रु हैं। अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्ण विचारधारा और अहंकार की भावना, ये हमको मिट्टी में मिला देती है। ये हमको अभिमान की जो भट्टी है उसमें व्यक्ति को जला करके भस्म कर देती है, इसलिए अभिमान से हम बचे। यह अभिमान व्यक्ति का जीवन शमशान में बना देता है। अभिमान नहीं होना चाहिए, इन शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करें। बाहर का जो लौकिक सुख है, लौकिक जो भोग है, कामना है, वह भी शत्रुवत ही हमारे लिए है। यदि हम अविवेकपूर्ण, अज्ञानता में, लोभ में,
भोग की भावना में यदि उस कार्य को करते हैं तो वह भी हमारे लिए शत्रुवत ही है। और आगे क्या कहा, इन इंद्रियों का जो बल है, विश्वा इंद्राणी, हे सर्वशक्तिमान इंद्रः प्रभो, परम ऐश्वर्यशाली प्रभो, आप हमारे में ऐसा बल प्रदान करिए, ऐसे बल से युक्त करिए, इंद्रियों का बल हमारे अंदर दीजिए। देदिष्ट, हमारे लिए आप देते हैं। वव्रे अंतः, हमें आवृत कर लेने वाले अज्ञान अंधकार के बीच में सुदुघाह, उत्तम ज्ञान दुग्ध को पूरित करने वाली वेदवाणी रूपी गौओं को प्राचोदयत, प्रकर्षेण प्रेरित करते हैं। और इस प्रकार ज्योतिषा ज्ञान के प्रकाश से संवृत्त आवृत कर लेने वाले अंधकार को भी अव निवारित करते हैं। कहने का आशय क्या है कि प्रभु ही बल देते हैं, प्रभु ही अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं, और अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश हमको प्राप्त कराते हैं, और ज्ञान के प्रकाश से युक्त होकर के हम अपने शत्रुओं का दमन करने वाले बन जाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर के शत्रु कौन कौन से हैं, तब तक उस पर कार्य भी नहीं करता वो। और जिस दिन व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए, यह उसको अनुभूति में आ जाए कि नहीं, मैं ज्यादा क्रोध करने लगा हूं, यह क्रोध ठीक नहीं है, मैं लोभ ज्यादा करने लगा हूं, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं, मैं झूठ बोलने लगा हूं, मैं दूसरों की हिंसा करने लगा हूं, ये दुर्गुण है, इनसे बचना है मुझको, तो व्यक्ति जब जानेगा, मानेगा, तो फिर जो अच्छा है, जो सच्चा है, वैसा स्वभाव बनाएगा, और जो कल्याणकारी नहीं है, उस स्वभाव को धीरे धीरे व्यक्ति दूर कर देता है। लेकिन यदि उसको यही नहीं पता कि रोग क्या है मुझको, तो दवा क्या लेगा। रोग चिकित्सक को भी नहीं पता कि इस रोगी को रोग क्या है, तो वो कैसे दवा देगा उसको, और उसका रोग कैसे ठीक होगा। इसलिए हम स्वयं भी अपने जीवन में उस प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को शक्तिमय बनाए, वही बल देने वाला, हर प्रकार का बल, या आत्मदा बलदा यस विश्वोपासते प्रशिषम यस्ते। ये जो संसार का विधान है, इस विधान संविधान में वही आत्मदा है, वही बलदा है। और जिसकी यह सारा संसार उपासना करता है, जिसको मानता है, जिसका अनुभव करता है, ऋषि मुनि योगी सन्यासी महापुरुष विद्वान रंक राजा, सब स्त्री पुरुष जीव जंतु जड़ चेतन, सब का जो भी कार्य इस संसार में हो रहा है, उस सब का देने वाला वह परमपिता परमेश्वर है, उनको बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। इसलिए शक्ति और शान दोनों का आधान करने वाला वह भगवान ही है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें और शक्ति प्राप्त करें, अभिमान से बचें। जो अनिष्ट है, जो हमारे लिए अकल्याणकारी है, उस शत्रु को, उस कमी को, उस दुर्व्यसन को, दुर्व्यवहार को आप हमसे दूर कर दीजिए प्रभु। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये जो प्रार्थना है, ये जो मंत्र है, यही हमको प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर के दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार दूर हो जाएं, और हम श्रेष्ठ आचरण करने वाले, श्रेष्ठ विद्यार्थी बने, श्रेष्ठ आचार्य बने, श्रेष्ठ माता पिता बने, श्रेष्ठ पति पत्नी बने, जिनके अंदर लेश मात्र दुर्गुण ना हो, दुर्व्यसन ना हो। क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण वह सब कुछ देख सुन जान रहा होता है। हम उसके बनाए गए विधान का
कभी अतिक्रमण न करें, उसका जो संविधान है, क्योंकि आँखें देखने में, कान सुनने में, रसना चखने में, नासिका गंध सूंघने में यदि समर्थ है, कार्य कर रहे हैं इंद्रियां, तो प्रभु की शक्ति के साथ वही वह देने वाला है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रतियुक्तः केनेशिताम वाचम इमाम वदन्ति चक्षुर श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। ये उसका विधान है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। वह परमात्मा सब इंद्रियों का भी इंद्रिय है, वही परम ऐश्वर्य देने वाला है। यद वाचा नाभ्युदतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये जो वाणी है, ये जो आँखें हैं, ये जो रसना है, ये जो नासिका है, जो कान है, ये जो मन है, ये सब उसी की शक्ति से काम करते हैं। वही शक्तिमान हमारे अंदर ज्ञान बल, हमारे अंदर बुद्धि बल, हमारे अंदर आत्मबल, मनोबल, शरीर बल को बढ़ाने वाला है, वही देने वाला है। इसलिए हम उसकी भक्ति करें। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है फिरकी बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। ओम शांति शांति शांति।